नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ के लिए बज गई है खतरे की घंटी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पोस्ट के लिए दे दिया है इश्तहार। PSL सीजन 7 ड्राफ्ट की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने कहा कि बांग्लादेश के पास भारी मुआवजे हासिल करने वाले कोचेस थे। पाकिस्तानी टीम को किसी बैटिंग या बॉलिंग कंसल्टेंट का साथ मुयस्सर नहीं था। मेजबान मुल्क की मुश्किल कंडीशंस के बावजूद पाकिस्तान ने दोनों फॉर्मेट के तमाम मैचेस जीते। इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनेशनल सतह पे हमारे क्रिकेटर्स को बड़े कोचेस की इतनी जरूरत नहीं जितना शोर मचाया जाता है। रमीज़ राजा का कहना था कि पिचेस बेहतर बनाने के साथ साथ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आला मयार के कोचेस लाने की जरूरत है। इस ज़मन में पेशरफ़ जल्द शुरू होगी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सिलसिले में इश्तहार जारी कर दिया है। इस इश्तहार में हाई परफॉर्मेंस कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और पावर हिटिंग कोच के लिए उम्मीदवारों से 17 जनवरी तक दरख्वास्तें तलब की गई हैं। याद रहे कि इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच के तौर पर मोहम्मद यूसुफ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस ओहदे के लिए इश्तिहार दिए जाने के बाद साबिक कप्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई है। ज़राए का कहना है कि उन्हें उम्मीदवारों की सफ में खड़ा होना पड़ेगा। इस साल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने उमदा परफॉर्मेंस से T20 क्रिकेट में बहुत से नए रिकॉर्ड अपने नाम किए। ईयर 2021 मोहम्मद रिजवान के लिए कई लिहाज से यादगार रहा, लेकिन खास तौर पर T20 क्रिकेट में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से उन्होंने नई तारीख रकम कर दी। मोहम्मद रिजवान ने ईयर 2021 में T20 फॉर्मेट में मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा रन स्कोर किए। वो ये संगमील उबूर करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन हैं। T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान ने इस साल 2036 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 17 फिफ्टीज शामिल हैं। इससे कबल एक कैलेंडर ईयर में T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के पास था। क्रिस गेल ने 2015 में 1655 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान ने इस साल कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने मजमूई तौर पर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल 1326 रन बनाए। इससे कबल एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आयरलैंड के पॉल स्टिरलिंग के पास था। पॉल स्टिरलिंग ने 2019 में 748 रन बनाए थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब तक बहसियत ओपनर 6 सेंचुरी पार्टनरशिप्स कायम कर चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे कबल सबसे ज्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप्स का रिकॉर्ड इंडियन जोड़ी लोकेश राहुल और रोहित शर्मा के पास था। पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में अब तक 4 मरतबा 150 से जायद रन की पार्टनरशिप कायम हो चुकी है और चारों मरतबा ये कारनामा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर मबनी जोड़ी ने सरंजाम दिया।